नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। राजनीति और बॉलीवुड का रिश्ता बहुत पुराना है। मौजूदा दौर में देखें तो फिल्मी दुनिया से लेकर क्रिकेट तक के कई चेहरे राजनीति में ना केवल सक्रिय हैं बल्कि खासे कामयाब भी हैं। लेकिन ऐसे सितारों की भी लंबी फहरिस्त है जो राजनीति में तो आए और चले गए, अगर रहे भी तो सियासत उन्हें रास नहीं आई। सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? पहले पर्दे पर धूम मचाने वाले सितारे सियासत की गली में आते ही गुम हो जाते हैं। आज की कहानी में बात होगी राजनीति के स्टार वॉर की। यूं तो सियासत और फिल्मी दुनिया के रिश्ते की शुरुआत दक्षिण से होती है, जहां ऐसे कितने ही नेता सत्ता के शीर्ष तक पहुंचे जो फिल्मी बैकग्राउंड से आते थे। लेकिन उत्तर भारत में इसकी शुरुआत 90 के दशक के आसपास हुई, जब कांग्रेस के टिकट पर काका यानी कि राजेश खन्ना ने चुनावी मैदान में ताल ठोकी, जिनके सामने थे बीजेपी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण।
धाकड़ बल्लेबाज रहे चेतन चौहान, कीर्ति आजाद और गौतम गंभीर भी दिल्ली से सियासत कर चुके हैं। चेतन चौहान 1991 में अमरोहा से बीजेपी के सांसद रह चुके हैं। हालांकि 2009 में पूर्वी दिल्ली सीट से बीजेपी के टिकट पर उन्हें हार मिली थी। उधर एक और क्रिकेटर कीर्ति आजाद 1993 में गोल्ड मार्केट विधानसभा से जीते, बाद में बिहार के दरभंगा से बीजेपी के टिकट पर जीतकर लोकसभा पहुंचे। 2019 में भी बीजेपी ने क्रिकेटर गौतम गंभीर को चुनावी मैदान में उतारा और वो जीते भी। हालांकि कार्यकाल पूरा करके अब उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया है। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं कि चाहे फिल्मी सितारे हों, अभिनेता हों या अधिकारी हों, ये दुर्भाग्य है दोनों, मैं मानता हूं, व्यक्तिगत मेरा मानना है, इन दोनों लोगों का राजनीति में एकदम से आना और फिर उस किसी क्षेत्र में, मतलब विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र में काबिज हो जाते हैं। इनका अपना एक ग्लैमर होता है, अगर हम अभिनेता की बात करें या अभिनेत्री की बात करें, इनका अपना ग्लैमर होता है, उस ग्लैमर में ही जीते हैं। और इनका सच पूछिए तो जनता से कोई सरोकार नहीं होता है। राजनीतिक पार्टियों का अपना स्वार्थ होता है, उनके ग्लैमर को भुनाती हैं। इसलिए अगर हम किसी महाराष्ट्र के अलावा किसी दूसरे प्रदेश में होते हैं तो एक कम समय अपने क्षेत्र में देते हैं, ज़्यादातर अपने काम पर ध्यान देते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि ग्लैमर और पैसे की ताकत में हम चुनाव दोबारा जिस भी दल से चाहेंगे, जिस भी स्थान से चाहेंगे, जीतेंगे। और लगभग होता भी यही है। फिल्मी सितारों और क्रिकेटर्स के लिए नई दिल्ली सीट हमेशा से ही पहली पसंद रही है। राजेश खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा, कीर्ति आजाद समेत ये फेहरिस्त लंबी है।
पूरी गणित समझेंगे। आप बने रहिए न्यूज वन इंडिया के साथ। उत्तर भारत के स्टार वॉर में अनगिनत चेहरे आए और चले गए, लेकिन मुकाम हासिल करने में कुछ गिने चुने लोग ही कामयाब रहे। लेकिन इसके ठीक उलट दक्षिण भारत में जिन भी सितारों ने एंट्री ली, उनमें से ज्यादातर सत्ता के शिखर तक पहुंचे और मुख्यमंत्री तक का मुकाम हासिल किया। सवाल उठता है कि आखिर दक्षिण के अभिनेता से नेता बनने वाली शख्सियतों की ऐसी क्या खास बात रही जो उन्हें सत्ता का सिंहासन मिला, जबकि उत्तर के अभिनेता ज्यादातर फ्लॉप साबित हुए। देखिए इस खास रिपोर्ट में। दक्षिण के सितारे सियासत में हिट, उत्तर से उलट दक्षिण में फिट। गुमनाम क्यों रहे उत्तर के सितारे, दक्षिण की सियासत सितारों के सहारे। राजनीति में ग्लैमर का तड़का लगाने की शुरुआत ही दक्षिण भारत से हुई। कहते हैं ना कि चमकना सितारों की फितरत होती है। फलक कोई भी हो, सिनेमा हो या राजनीति, सपनों का खेल दोनों जगह पर चलता है। जनता भले ही सब जानती है, लेकिन सपने उसे भी अच्छे लगते हैं। यही वजह है कि अभिनेता अगर नेता बनता है तो फिर उसकी जीत लगभग पक्की मानी जाती है। बस कुछ जगहों पर अभिनेता अगर नेता बने तो उन्होंने राजनीति को ही फुल टाइम जॉब मान लिया और कुछ कभी ये मान ही नहीं पाए कि वो माननीय बन चुके हैं। उत्तर और दक्षिण की सियासत में यही तो बड़ा फर्क है। एक जमाना हुआ करता था, वो दौर नहीं रहा, कि जो सुपरस्टार होते थे उनकी फॉलोइंग इतनी होती थी, लाखों करोड़ों में होती थी, उनकी एक झलक देखने के लिए उनसे मुखातिब। जब वो पब्लिक के बीच में जाते थे तो जिस विचारधारा की पार्टी के लिए वो कैंपेनिंग कर रहे होते होते या चुनाव लड़ भी रहे होते थे, अगर उसका विरोधी भी होता था तो ये सोचता था कि भाई ये हमारा सुपरस्टार है, हम इसको हीरो मानते हैं। इससे एक मन से एक रिश्ता लोगों का इमोशनल हो जाता था। इस बहाने पार्टियों को वोट मिल जाते थे और सबसे बड़ी बात है कि पूरा चुनाव प्रभावित ये कर देते थे। अगर किसी पार्टी में कोई सुपरस्टार खड़ा हुआ है तो उसकी चर्चा सिर्फ एक विधानसभा या लोकसभा तक नहीं बल्कि कई क्षेत्रों तक उसका असर होता था। मैं समझता हूँ ये सिलसिला आज भी जारी है। इस फेहरिस्त में सबसे पुराना और बड़ा नाम सामने आता है आंध्र प्रदेश में अन्ना और एनटीआर के नाम से मशहूर और टीडीपी के संस्थापक एनटी रामाराव का, जिन्होंने फिल्मी दुनिया से राजनीति में आने का ऐसा मंच तैयार किया जो आज भी दक्षिण की सियासत में असर दिखा रहा है। एनटी रामाराव राजनीति में अन्ना और फिल्मी दुनिया में एनटीआर के नाम मशहूर रहे। फिल्मों में बतौर अभिनेता और निर्देशक के रूप में उन्होंने काम किया। राजनीति में आने के बाद करीब 7 साल तक वो आंध्र प्रदेश के सीएम रहे। दक्षिण की सियासत में एनटी रामाराव पहले ऐसे अभिनेता रहे जो विशुद्ध फिल्मी बैकग्राउंड से सियासत में आए थे, जिसके बाद तो मानो सिलसिला ही चल पड़ा। एक के बाद एक फिल्मी बैकग्राउंड के लोगों की एंट्री शुरू हुई और लंबा सिलसिला चल पड़ा। सीएन अन्नादुराई राजनीति में बड़ा चेहरा थे। तमिलनाडु के पहले मुख्यमंत्री अन्नादुराई मशहूर तमिल लेखक थे। इनके लिखे कई नाटकों पर बाद में फिल्में भी बनी। बाद में वर्षों में विशुद्ध फिल्मी बैकग्राउंड से आने वाली जानकी रामाचंद्रन भी सीएम बनी, हालांकि उनका कार्यकाल सिर्फ 23 दिन तक का रहा। जानकी रामाचंद्रन 23 जनवरी 1988 मुख्यमंत्री बनी। दक्षिण की राजनीति में फिल्मी दुनिया की दखल देश के आजाद होने के बाद ही शुरू हो गई थी। यही वजह रही कि वक्त बदला लेकिन ट्रेंड नहीं। बाद में वर्षों में फिल्मी विरासत का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो अब जाकर खत्म हुआ है। हालांकि अभी भी कई फिल्मी सितारे सक्रिय हैं, लेकिन अभी तक उन्हें वो कामयाबी नहीं मिल पाई जो उनसे पहले के सितारों को मिल पाई। फिल्मी विरासत का सिलसिला एमजी रामाचंद्रन के जमाने से शुरू हुआ। एमजी रामाचंद्रन तमिल फिल्मों का बेहद चर्चित चेहरा रहे। राजनीति में आने के बाद 1977 से 1987 के बीच में लगातार 10 साल सीएम रहे। जयललिता ने भी राजनीति में एंट्री ली। उस दौर में जयललिता तमिल फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री थी। जयललिता ने कुछ हिंदी फिल्मों में भी काम किया। जयललिता बनाम करुणानिधि की सियासत अदावत की कहानी बहुत पुरानी है। तमिलनाडु में दशकों तक दोनों बारी बारी से मुख्यमंत्री बनते रहे। हालांकि जयललिता के निधन के बाद और करुणानिधि के राजनीति से संन्यास लेने के बाद अब जाकर तमिल सियासत स्टार वॉर से दूर हुई है।
तमिल फिल्मों के पटकथा लेखक रहे एम करुणानिधि अपनी पीढ़ी के आखिरी सफल नेता हैं जिनका बैकग्राउंड फिल्मी रहा। ये और बात है कि कई और फिल्म अभिनेता राजनीति में दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। ये और बात है कि अभी कामयाबी उनके काफी दूर है। फरवरी 2018 में कमल हसन ने राजनीतिक पार्टी मुक्कल निधि मय्यम पार्टी बनाई, तो तेलुगु सुपरस्टार चिरंजीवी ने 2008 में अपनी पार्टी प्रजा राज्यम पार्टी बनाई। 2009 में उनकी पार्टी को विधानसभा चुनाव में 18 सीटें मिली। 2011 में चिरंजीवी ने अपनी पार्टी का गठजोड़ कांग्रेस के साथ कर लिया। लोकसभा चुनाव 2019 से पहले साउथ सुपरस्टार रजनीकांत ने अपनी पार्टी रजनी मंदरम का ऐलान कर दिया था। हालांकि उन्होंने पहले ही साफ कर दिया था कि वो 2019 का चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि पार्टी बनाने के बाद भी उन्होंने चुनावी मैदान में हाथ नहीं आजमाया, लेकिन कई ऐसे नए अभिनेता रहे जिन्होंने अभी भी राजनीति से उम्मीद नहीं छोड़ी है और लगातार सियासी मैदान में लॉन्च होने के लिए बेचैन है। इनकी फेहरिस्त में कुछ नाम इस तरह है। थलपति विजय साउथ का एक बड़ा नाम है। 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले विजय ने पार्टी बनाई, इसका नाम वेत्री कशगम है। इस लिस्ट में चिरंजीवी के छोटे भाई पवन कल्याण का नाम भी है। एक्टर ने 2014 में अपनी पार्टी जनसेना पार्टी बनाई। फिलहाल पवन कल्याण की पार्टी के साथ बीजेपी का गठबंधन है। राजनीति संभावनाओं का खेल है, लेकिन इन संभावनाओं में तड़का तब लगता है जब इसके साथ ग्लैमर जुड़ जाता है। दक्षिण की राजनीति में एक बड़ा ट्रेंड पहले से रहा है और वो ये, यहाँ फिल्मी दुनिया के लोगों का लक्ष्य साफ होता है कि करियर का नेक्स्ट लेवल क्या होगा। इसके उलट उत्तर भारत में फिल्मी सितारों के लिए राजनीति एक वैकल्पिक पेशा रहा। कामयाब रहे तो ठीक, नहीं तो फिर पुरानी जिंदगी में वापस लौट जाते हैं। यही वजह है कि दक्षिण के सितारे राजनीति में हमेशा से ही उत्तर के सितारों से ज्यादा कामयाब रहे हैं। रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।